जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। बड़ी आई कहीं से मंगनी नहीं है सकती। देखो तूने ये क्या किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकाल के बाहर करो उसे। मैं तुम किसी तरह नामुराद बैठे रहोगे, तुम लोग शादियाँ भी नहीं होंगी, और तू किसी वास्केट में और इस टाइट कुर्ते में बैठा रहेगा। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, पागल कर दिया तुमने मुझे। माए, मुझे इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं है और मुझे जिद बर्दाश्त नहीं है। कोई ऐसी चीज करने की गलती भी मत कीजिए, उसकी जो हालत है वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है और उसके बाद फिर हम लोग फंस जाएंगे। फिर और मैं क्या करूं, तुम ही बताओ यार। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, थोड़ी देर और आपको संभाल लेंगे, आपके खाने का वक्त हो रहा है। राइट, यस बेबी, ओके। अच्छा एक मिनट, ये कैसा रंग हो रहा है इसका? मुन्नी, आ रहे हो बाबा, थोड़ी देर के लिए अपना बच्चा नहीं संभाल सकते आप? बच्चे की बात नहीं, ये मुझे ये दूध का रंग कैसा हो रहा है इधर? अरे लेकिन दूध का कलर ये तो नहीं होता। हाँ, मैंने तो सही दूध बनाया है। पता नहीं जी, फटा सा अजीब सा लग रहा है मुझे तो। ये कैसे फट सकता है एजाज, डब्बे का दूध है और बाकी कलर भी अजीब सा लग रहा है। आपने एक्सपायरी डेट चेक की थी डब्बे की? नहीं यार, चेक करें ना। क्या हो गया, आपका दिमाग आजकल कहाँ रहने लगा है? अच्छा ठीक है, मैं फेंक देती हूँ, दूसरा बना देती हूँ। डोंट वरी भाई, डब्बा भी फेंक दें। ठीक है। तो क्या हो गया? सॉरी बेटा, पता है मुझे, कोई बात नहीं। मामा ताजा दूध बना के ला रही है आपके लिए। गुड्डू, तूने ये क्या किया? अभी भी तू तौबा कर ले। अरे ये क्या तौबा करेगा, ये तो अपनी गलती पर ढीठ बना खड़ा है। क्या मुंह दिखाएगा मेशर वाले दिन, बता ना क्या मुंह दिखाएगा? क्या मुंह दिखाएगा बाजी, यही सड़ा हुआ मुंह लेके खड़ा हो जाएगा गिटाई से। हाय गुड्डू, तू ऐसा ना था। हाय बाजी, तुम क्या जानो इसे, ये तो छुरी लेकर चढ़ दौड़ा था मुझे कत्ल करने के लिए। बहुत चालाक मिसना है ये। गुड्डू तेरा खून सफेद हो गया, बस कर दो बस। तुम लोग चाहते क्या हो, आखिर क्या करूं मैं? हाय गुड्डू, मैशर वाले दिन तू मेरी बेटी के साथ खड़ा होगा, ना कि किसी और औरत के साथ। तुम दोनों एक काम करो, अभी मुझे जान से मार दो, भेज दो मुझे उसके पास। हमारी बंदूक में गोली नहीं है, वरना अभी मुर्गा भी ढाई कर देती मैं। हाँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी फसाद की जड़ तुम हो, तुम। देखा बाजी, देखा कैसे बोल रहा है मुझे। कहाँ जा रहे हैं आप? नौकरी पर जा रहा हूँ। तुम्हारे खानदान में बीवी के मरने के बाद नौकरी पर भी नहीं जाते क्या? हाय गुड्डू, मेरी बेटी की जिंदगी में नौकरी कर लेते, उसकी जिंदगी में बेरोजगार ही रहे तुम। अल्लाह, कहाँ फंस गया हूं या अल्लाह। देखा देखा बाजी, कैसे गुर्रा के गया हमारे ऊपर। इसका होराना मैं बंद करवा दूंगी। मैं तुम्हें ये कह रही, तुम जल्दी यहाँ से निकलो, तुम्हारी बेटी के यहाँ फसाद चल रहा है, तलाक होने वाली है। अरे जा रही हूँ बाजी, जा रही हूँ। वो धन्नो की माँ है ना, उसी के साथ टिकट कटवा लिया मैंने भी। जरा जाकर तो देखूं मैं भी, कौन मेरी बेटी को तलाक देता है। दांत तोड़ के उनके हाथ में रख दूंगी। कब निकलेगी तू? बस वो महक बेगम तैयार तो हो जाएं, उनके बैग तो पैक हो जाएं, फिर निकलते हैं। अम्मा चाय पीने को इतना दिल चाह रहा कि चाय बनाना है। हाँ, कोई नहीं पूछता यहाँ किसी को। हाँ। चलो ना यार, जो होना था वो तो हो गया। अब शादी में किसी को साथ नहीं रखेंगे ताकि फिर से कोई तमाशा ना हो जाए। मंगनी में भी साथ नहीं रखना चाहिए था, गलती हो गई। अब अच्छे से देखो, आज इतना चुप चुप क्यों? कल रात जो हुआ, चलो जो भी हुआ सो हुआ। आज सुबह से मैंने चाय नहीं पी, पति नहीं थी, सर फट रहा है मेरा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती कि पति नहीं है, और ऊपर से तुम्हारी अम्मा और नन्नी मुझे बातें सुना रही हैं। परेशान क्यों हो रही? अभी ले आता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ होटल से ना पराठा भी लेते आना, मेरा ना दिल नहीं चाह रहा बनाने को। बहुत नदीदी हो तुम। अरे अम्मा क्या हो गया, क्यों हर वक्त पड़पड़ करती रहती हो? अरे चो, 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 चो। मैं दिल डरती हूँ, सब मेरा दिल डराते, कोई मेरे साथ काम नहीं करता। अरे मैं हूँ ना हर वक्त तेरे साथ, तेरा बालम, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तू तो रहनी दे, सबसे बड़ा हतराम तू है। बालम एक जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तू, बेकार तरीन आदमी है तू। फिर जिंदगी का कोई मकसद है भी कि नहीं है? भाई क्या हो गया भाई, तू क्यों बिला वजह स्टार्ट हो गया? तू एक पत्ती का डब्बा नहीं लेके आ सकता, वो भी लेके आओ तो मैं लेके आऊँ, हद हो गई है। अरे मम ये उसको सुना, धन्नो तो ताय नहीं मिली ना, पत्ती की वजह से इतनी यहाँ तू तकरीर कर रहा है। पत्ती तो होनी चाहिए थी ना घर पे। तेरी आंखों में ना शर्म होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। देख रही हो ना, मैंने आज तक अपनी बीवी की वजह से तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और ये अपनी मंगेतर की वजह से हम लोगों पे शोर मचा रहे हैं। ये आग लगवा लो, कोई काम ना करना तू। दे दे नशे में। नहीं नहीं अम्मा, नशा वशा नहीं करता। हाँ वो तो सर चढ़ के बोल रहा है। अरे गुड्डू तू बच्चों की तरह क्यों रोए जा रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? तो क्या करूं, रो भी ना क्या, मेरी जिंदगी आजाद हो गई है। अरे भाई अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। इन्होंने जो करना था कर लिया, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। तो जाकर मिल लेना उससे, घर तो पता है तुझे। हसीना मैं उसका सामना कैसे करूंगा, सब बर्बाद हो गया है। अरे गुड्डू कुछ बर्बाद नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कह रही हूँ सब ठीक हो जाएगा। और ये बता तू ऑफिस नहीं गया आज? मेरी जिंदगी यहाँ दुराहे पे खड़ी है, और तुम्हें ऑफिस की पड़ी। तुम सबके सब मतलबी हो, बहुत मतलबी। अरे गुड्डू बात तो सुन। पागल क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? गुड्डू रो रहा है। रो रहा है? क्यों रो रहा है? पता तो है जो कुछ हुआ है, तो रो ही जा रहा है। तो तुम हंस क्यों रही हो? तो मुझे हंसी आ रही हो, तो ऐसे कर रहे हो पता नहीं कयामत आ गई हो। बेचारा। तौबा, अब कौन समझाया उसको? तुम? नहीं समझाऊंगी, जाहिर है समझा तो इतनी, फोन ही पटक दिया उसने। दोबारा करके देखते हैं उसको फोन। तो मुर्गी के टांग लेके आ गया ना, कितना मजा है भुने मुर्गी की टांग खा लो। और एक चिकन लिवर की प्लेट मिल जाए, एक मुर्गी एक चिकन लिवर वापस करती है, मगर मुर्गी को रिक्वेस्ट की जाए पूरी प्लेट भी पेश कर देती है। चिकन लिवर को पराठे के साथ खाओ कितना मजा आएगा। और लाओ और लाओ, जालमो ला दो, पराठे के साथ खा लूंगी सॉरी मैं। तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? क्या कर रहे हो? तो यहाँ लेके आया तो कोई देखे नहीं। ये देखो क्या लेके आया। ये क्या है? फिल्म के टिकट। फिल्म के टिकट? अगर किसी ने सुन लिया ना पूरी पलटन पीछे पड़ जाएगी। अम्मा, नन्नी, नन्नी के शौहर गोली, गोली की एक और गोली, अब गुड्डू और उसकी। अच्छा ना, पता है मैं कितने सालों बाद सिनेमा जाऊंगी, कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मनहूस हो, मुझे मारने का प्रोग्राम बनाया था बेकार, तो शर्म नहीं आती, तुम्हें मुझे मारना चाह रहा था ना। अरे खरा, ये क्या कह रही हो, हम भला तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम लोग मेरे पर फोम समझ के बैठे थे ना, सोच रहे थे कि बुढ़िया का दम घुट जाएगा, बुढ़िया मर जाएगी। ये क्या बोल रही हो खाला, हम भला तुम्हें क्यों मारेंगे? खाला अपना हजम तो देखो, हम फूलों जैसे जिस्म वालों के वजन से तुम भला तब के कैसे मर सकती हो? तेरे बाप के घर से खाती हो, भैंस लगती हो, शर्म नहीं आती? खुद तो तू इतना चूहा है, तुझे देखे तो कोई लोन भी नहीं देगा। खाला, ये मेरे मंगेतर के सामने बार बार चूहा चूहा क्यों कह रही मुझे? चलो जाओ जल्दी से, मेरे लिए मुर्गी की टांग और ना चिकन लिवर की प्लेट और चटनी वगैरह प्याज वगैरह डाल के लाना। अच्छा, जल्दी से जाओ। कलेजी कहाँ से आ गई? और मुर्गी की टांग भी घर में नहीं है, अपने गुड्डू को बोलो वो ला देगा। बगैर लिवर की मुर्गी कोई हो देखी है तूने? वो तो बीमारी होती जिस मुर्गी का लिवर नहीं होता। जा लेकर आ मेरे लिए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे, कहीं से भी कलेजी और चिकन लेकर आ, मुझे नहीं पता, बस जा तू यहाँ से। हालत देखो इनकी, खा खा कर फटने वाली हो गयी है, लेकिन बाज नहीं आई। अरे क्यों भाई, मेरा पेट है, मेरी सेहत है, मेरी जान है, मेरी होजरी है, तुम्हें क्या तकलीफ है? लोग पूरे का पूरा मुल्क खा गए, उनका पेट नहीं फटा, मैं थोड़ा सा चिकन टिक्का वगैरह खा लूंगी तो मेरा पेट फट जाएगा, है ना? बड़ी अच्छी जा रही हो तुम, मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से खाना लेकर आ, प्याज चटनी वगैरह लेकर आना, शाबाश, जल्दी से निकल लो। सुनो खाला, औकात मेरा बता रहा हूँ, मैं कोई मोबाइल की ऐप नहीं है जो तुमने ऑर्डर दिया और मैं लेके आ गया, मैं नहीं लेके आ रहा। ठीक है बच्चों, मेरा भी क्या है, तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट है, मेरा अपना है। मैं अभी सबको खबर देती हूँ कि तुम रात को चुपके चुपके से फिल्म देखने जा रहे हो, अभी बताती हूँ नयनतारा को, सबको ना। क्या तुम्हें कैसे पता चल गया? क्योंकि ये बुढ़िया सो नहीं रही थी, सारी बातें सुन रही थी हमारी। अब बुढ़िया होगी तेरी माँ, मैं तो अभी गुड़िया हूँ, शर्म नहीं आती। और मुझे बात सुनो, चिकन टिक्का ला रहे हो या फैलाऊं अपना काम शुरू करूँ जाल? तुम खालक देखो, मैं ला देता हूँ। ठीक है, हाँ जल्दी जरा, नजर रखना कि सबको ना बता देंगे। मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी लाना, चटनी भी डालना, अच्छा प्याज भी लाना सर। आप तो बहुत प्यारी लग रही है, आपको पता है मैं गिर भी जाती हूँ कई दफा, जैसे तू बैठी थी। हाँ नहीं, टांगे 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 ज्यादा। हाँ आई आए, अब ये इधर इधर आई, बस कर जा आपा। हैं कहाँ चल रही है? अबे कहाँ जाऊँगा, काम पे जाऊँगा, सुबह सुबह कहाँ चल रही है? आज के बाद कोई जरूरत नहीं तो मैं उन लोगों के साथ काम करने की। बात सुनियो यार, मैं कौन सा गुड्डू और आलम के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा काम तो बालम के साथ है, वो पार्टनर चिल्ली है मेरा भाई। तो बालम भी तो उन्हीं का खून है ना? खून तो तू भी उन्हीं का है, छोड़ दो तुझे। मैं उनका खून नहीं हूँ, बचपन में जब बीमार हुई थी ना तो मुझे बहुत खून चढ़ा था, तो फिर मेरा खून चेंज हो गया है। अभी देख सुबह सुबह क्यों पका रही है, देख मेरे को बहुत सारे काम है, सुबह सुबह स्टेशन छोड़ना खाला को, फिर जाऊंगा स्टेट एजेंसी। क्यों, आलम नहीं छोड़ा अपनी होने वाली सास को? आपको क्या जरूरत है? हाँ मुझे कोई जरूरत नहीं। अबे वो फंसा हुआ है दुकान पे यार, मुझे कहा था पहले खाला को स्टेशन छोड़ देना, तो खाला को स्टेशन छोड़ दूंगा, फिर जाऊंगा काम पे। आपको बड़ा शौक है खातिरदारी करने की, लेकिन आपको कोई खातिर में नहीं लाता। अबे बात सुनिए, देख मैं बड़ा खानदानी आदमी हूँ, मैं इस चाराने की बातें टाइप की चीजों को लिफ्ट नहीं कराता। हाँ खानदानी हो, कल पिट रहे थे उन दोनों से। अबे उनकी भी मार कोई मारे बे, उनपे अल्लाह की मार, उनका मुंह दे गए, छोड़ दे उनको, मैं जा रहा हूँ, जा रास्ता जी। अरे बात तो सुनो ना, तुम कभी कभी बात ही नहीं सुनोगे मेरी। खाला क्या खा रही हो अकेले बैठे बैठे? मनोज मुझे क्यों चेक कर रहा है, जाके अपनी बीवी को देखना वो क्या खा रही है। हाँ वैसे कह तो सही, मेरा क्या ताल्लुक है, मैं बस ये कह रहा खाला क्या दबंग एंट्री थी, बस बाद में ना तुम खुश हो गई, जैसे गुब्बारे से हवा नहीं निकल जाती। मैं ये कह रहा था अंदर घुसी थी ना, ये तोड़ता मारा मारी गुल्ला चिल्लम चिल्ली मजा ज्यादा। खामोश, क्या अपनी तरह बदमाश समझा रहा मुझे? ओ बात सुन लो खाला, हो रहा तो इसलिए लिहाज कर रही हूँ, मेरे को बदमाश नहीं बोलियो। हाँ माफ करना भाई, मुझे पता नहीं था कि आप तो मोहल्ले के बच्चों को सिपारा पढ़ाते हैं और मुल्क शाम से आए, मैं सुबह से आई हूँ। काला बासनियों, मुझे जानती नहीं हो तू, गोली नाम है मेरा, और गोली को जानती नहीं तू, सीधा दिमाग में गोली मारता है। हाँ गोली मारेगा मुझे, कितनी प्यारी शक्ल है तुम्हारी, ऐसे लग रहा है जैसे दलीप कुमार के चरबा। मुझे गोली मारेगा तू? है तू मुझे जानता नहीं है? नीचे लटा के ऊपर बैठ के स्टिकर बना दूंगी तुझे। अल्लाह की कसम क्या पकड़ है खाला, मैं तो फेल हो गया तेरा, बस मैं करूं, बड़ी इज्जत है इस घर में, छोड़ दो मिट्टी में मिल जाएगी। आंदा तो नहीं करोगे ना? अरे बाप की तौबा, पागल हूँ क्या मैं? छोड़ दिया मैंने, सुन रहे, उठक बैठक कर, जल्दी करो। खाला तुम करा रही हो उठक बैठक? अब्बा हमारे फौजी थे, रिटायर कर्नल। हाँ मेरे बाप की तौबा खाला, आइंदा में ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मुर्गा बन, मुर्गा बन। मुर्गा का अंडे चाहिए, मैं ला देता हूँ, मुझे क्यों मना रही है? मैं बोल रही हूँ ना, मुर्गा बन तू, मुर्गी के पंगे ले रहा है मुझसे। मुर्गा बन जल्दी से, इससे ज्यादा नहीं बन सकता मुर्गा, इतना नहीं बन। बैठा रहे इसे तो, और मेरे पाँव में दबा। अबे खाला बात सुनियो, मतलब कैसे करूँ, कैसे दबाऊँ? अगर को तो ये पर बार निकाल ले मुर्गा। हाँ एक हाथ बार निकाल। खाला कितनी प्यारी है, खाला बहुत अच्छी है, खाला खाला मत बोल मुझे। आपा कह रहा हूँ। हाँ आपको सुनाई दे रही है, मैं कह रहा हूँ आपा कितनी प्यारी है। हाँ। आपा बड़ी इज्जत है, छोड़ देना मतलब। हाँ। चल ठीक है, सही होगा। अल्लाह तुम ऐसा करो, मेरे लिए ना जिंगर लाओ, जिंगर, मुर्गी की टांग वाला जिंगर, जल्दी से लेकर आओ। हाँ अभी लाता हूँ। पैसे? अबे पैसे मैं क्यों दूँ, तुम अपने पास से दो ना, तुम ला के दे रहे हो, तुम्हें मैंने माफ किया ना, जाइयो। मतलब मैं कह रहा हूँ पैसे निकाल लेने आ रहा हूँ। हाँ निकाल ले, और निकल ले जल्दी से। खाने भी नहीं दिया किन्नू अच्छी तरह से, विटामिन सी थी और स्किन के लिए बहुत जरूरी होती है। तेरी कोई बात हुई गुड्डू से? नहीं। तो फोन भी नहीं आया क्या? अच्छा किया, अरे ताकि उसे भी एहसास हो कि कल हमारी कितनी बदनामी हुई है। अम्मा कल की बात आप ना ही करें ना तो बेहतर है। कितनी इस तमाशे के बारे में? वो तो बहुत खुश होगा। देख तू उसे ना गलत मत समझा कर, वो तेरी बहुत फिक्र करता है। जानती हूँ अम्मा मैं उसको बहुत अच्छे से, आप मुझे ना समझे। वैसे एक बात कहूँ बेबी, ये कल के वाकये से ना मेरा तो दिल ही खराब हो गया है। क्या सिर्फ तुम जा रही हो, तुम नहीं जा रही? मैं क्यों जाऊँ, मैं तो अभी आई हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ इन लोगों को संभाल के, अब तुम ही संभालो बाजी ने। क्या संभालो, मंगनी तक तो तुम रोक नहीं सकी, और क्या करोगे तुम? अरे बहुत कोशिश कर ली मैंने, बहुत कोशिश करी, लेकिन ये लोग, अरे अल्लाह माफी, बड़े ही ठीक है। तौबा तुम लोग तो पूरा मिशन बना कर आए हो, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अरे तुम लोग हो कौन, कोई मुगल बादशाह के खानदान से हो गया? मुगल खानदान के तो है, नहीं यकीन आ रहा तो चलो मेरे साथ मिलने, हमारे कजन है अकबर बादशाह। बड़े आए मुगल बादशाह से, एक ठिकाना तो है नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, खुद बड़ी डिफेंस की कोठी में रहती है, ज्यादा बोला नहीं कर, चल जाए यहाँ से। अच्छा चल, वो मैक को बुलाओ, कहाँ है, कब आएगी वो निकल के वहाँ से, कब गाड़ी चली जाएगी, जब आएगी वो। तू बैठना, जब तक आएगी वो पेशन पर है, चाय पी लूं, जब तक कोई चाय बना के ही दे दे। पास रखना, ट्रेन में भी पकड़े रखना, चोरी कर लेते हैं सारे। क्या हो गया है? क्या हुआ? क्या हुआ यार, किस किस्म की औरत है आप? अजान बिल्कुल बेड के कोने पे था, अगर मैं नहीं आता ना नीचे गिर जाता, खुदा ना खासा गिर जाता। तुम्हें पता क्या होता? और सोच रही थी कि सो जाएगा तो उसे कॉट में लिटा दूं। यार आपने सोचा था अजान अगर गिर जाता खुदा ना खासा तो मुझे देना? ना, छोटा सा बच्चा है, कहाँ मूव कर सकता है। आप भी ना अजीब बातें कर रहे हैं यार। आप मुझसे बहस कर रही हैं। बहस की बात नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। यार हद हो गई है, टू मच, बात ही नहीं सुनती। अच्छा अम्मा, कुछ दिन और नहीं रुक सकती थी क्या? अरे रुकने को तो मैं रुक जाऊं, जाना जरूरी है बेटा, लेकिन पहले में और अब में बहुत फर्क है। अब ये तेरा ससुराल है, ससुराल से पहले ये मेरा घर है। ऐसा नहीं होता, ससुराल बन जाने के बाद ससुराल ससुराल ही होता है और कोई रिश्ता नहीं रहता बेटा, सब ससुराली बन जाते हैं। तो क्या करूं फिर? अरे बेटा तू बस तरीके से रह और कुछ मत कर। आपका मतलब है मैं तरीके से नहीं रहती? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम बिल्कुल तरीके से नहीं रहती। अब आप ऐसी बातें करें कि तुम किसी और ने मुझे क्या कहना। अरे बेटा तेरे भले के लिए कह रही हूँ मैं। देख अब तुम अपनी तबीयत में थोड़ा सा इसार पैदा कर। क्या? अरे इशार का मतलब है दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा कर। अरे घर ऐसे नहीं बसते। अच्छा ना अम्मा, अब ये अपनी तकरीर मुझे शादी के बाद देना, मंगनी के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा वक्त देखो क्या हो रहा है, ट्रेन चली जाएगी। हाँ सारी बातें कर दूं तुझसे, अल्लम गल्लम सब कह दूं, मगर समझाने वाली तुझसे कोई बात ना करूँ, है ना अम्मा? मेरी बात सुन ले और तरीके से रहना, किसी को शिकायत का मौका ना मिले, और जरा अपनी आंखें भी खुली रखना। आंखें तो मेरी बहुत बड़ी हैं मां। नहीं बेरुखी अच्छी नहीं। शादीशुदा उम्र से इतनी बेतकल्लुफी बेच। तुम मेरे दोस्त भी। दोस्ती की कुछ लिमिट्स होती हैं। दोस्ती की कोई लिमिट्स नहीं हो, समझे तुम नहीं समझो माहिर, समझ तो तुम नहीं रहे हो कोई बात। पता नहीं क्यों तुमने अपने ऊपर सब कुछ ऐसे मुसल्लत कर लिया है माहिर। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो माहिर। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी, कहीं रोते हुए। अब पता नहीं तुम दोनों कौन से सैयारे से आए हो, ऐसा क्या हो गया ना तुम सांस रुक के वहां ऐसे खड़ी हो? माहिर मेरी बात नहीं सुन रहा था, उठ के जा रहा था तो बस रोका मैंने। ईशा तुम्हारे लिए ये बहुत मामूली बात है, लेकिन हमारी जबान में इसे हिजाब है और हमारे लिए ये मामूली बात नहीं। खैर खाना लग गया है, आ जाओ। मैंने कुछ गलत कहा क्या? जो हसीना ने कहा वो बिल्कुल मुकम्मल। अब मुझसे किसी जवाब की तवक्को मत रखो। हसीना तो करती है किताबी बात, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हो, लेकिन मुझे तुम पे हैरत है कि तुम उसकी बातें कैसे डाइजेस्ट कर लेते हो। कुछ बातें दिल से कही जाती हैं और वो दिल पर ही ले। तो मैं भी हसीना जैसी किताबी बातें करना शुरू कर दूं? मैंने कहा वो बातें दिल से की जाती हैं। आ जाओ खाना खाओ। खाला आपको कुछ चाहिए था? वो मैं देखने आई थी कि खाने में क्या पकता है। इस घर में इतनी जल्दी खाना नहीं पकता, यहाँ पर तो 1 बजे ही नाश्ता ठूसते हैं सब। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं तो जब से आई हूँ ऐसा ही देख रही हूँ। तुम जल्दी से ना मेरे लिए नाश्ता बनाओ, 3 पराठे और 3 अंडे फ्राई मजे के लगेंगे, और मलाई हो जाए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। खुदा का खौफ करो खाला, कुछ तो खुदा का खौफ करो। खा खा कर देखो कितना गोला बन गई हो, और बाकी जो पराठे खाओगी कहाँ पर एडजस्ट करोगी? अब ऐसा ना हो कि आंते ही बाहर आ जाए। तेरे बाप का नहीं खाती, मैं तो बचपन से ही खूबसूरत, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड चबी हूँ। चबी? बड़ी इंग्लिश बोल रही हो खाला। हाँ, चल तू ज्यादा बातें ना बना, फेसबुक का अकाउंट बनाती सबको अंग्रेजी बोलनी आ जाती है। ज्यादा बातें ना बनाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, 3 पराठे 3 अंडे फ्राई किए हुए ना, और अगर मलाई हो जाए तो नाश्ते में मजा ही आ जाता है। शाबाश, जल्दी कर। तोबा, इस घर में क्या बाकी जानवरों की कमी थी जो ये भी आ गई? अरे दूध कहाँ गया? 1 घंटा पहले तो मैंने उबाला था, मैं बनाऊंगी। ओह, तो जहाँ जाओ तुम बदबू मिल जाती हो वहाँ पे। बस कर जो, मैंने तुम्हारी चुड़ैल भी देख ली है, अब वो इतनी हसीन नहीं थी कि तुम मुझे बदरू बोलो। अच्छा बातें ना कर, चाय बना। चाय बना ले, चाय बिना दूध के। क्या मतलब? मतलब ये कि दूध कोई डकार गया। अरे यार, इस घर में खाना पीना हराम हो गया है। अच्छा तुम क्यों परेशान होते हो? पता है मैंने पाउडर का दूध ना छुपा कर रखा था, तुम्हारे लिए अभी चाय बनाती हूँ। मैं मर क्यों ना गई? सीन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? खाला क्या हो गया, क्यों बात कर रही हो? अरे फूल मेरी बच्ची, जिससे तूने मोहब्बत की थी, वो देख कितना चालाक निकला, किसी से मंगनी कर रहा है, किसी से शादी कर रहा है, और किसी से मोहब्बत कर रहा है। खाला अपना बेकार का ड्रामा बंद करो और ये बताओ सीधी तरह के दूध कहाँ गया? अरे कौन सा दूध? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं तो जब से आई हूँ मुझे किसी ने चाय तक नहीं पूछी। खाला तुम खुदा के लिए वापस चली जाओ, हमारे घर में मजीद नमूने की गुंजाइश नहीं है। अरे मैं तो तुम्हें अपना दामाद समझ के आई थी, मगर तू बड़ा धोखेबाज निकला। कौन सा धोखा खाला? मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी कमेटी खा गया जब मैं अकाउंट चला रहा हूँ तुम्हारे फेसबुक का तुम्हारे नाम से। क्या मेरी बेटी के मरने के बाद दूसरी शादी करना चाहता है बेगैरत? तो तुम क्या चाहती हो, पूरी उम्र वो रंडवा रहे? जब औरत बेवा होकर रह सकती है तो मर्द रंडवा होकर क्यों नहीं रह सकता? ज्यादा बातें ना बना, चल जल्दी। पानी पी रही हो? हाथ जल गया मेरा, फिर भी नाश्ता बना। दूध भी नहीं है। मैं जितनी अब लापरवाह है ना, अजान की मुझे टेंशन ही लगी रहती है, पता नहीं अब उसकी केयर कर सकेगी नहीं। क्या मतलब है आपका एजाज? यही है जिंदगी। ऑफिस जा रहे हैं? जी। कब तक आएंगे? यार आज 3-4 मीटिंग्स हैं, शायद लेट हो जाऊं मैं। पर एक टेंशन थी मुझे। क्या? मैं जितनी अब लापरवाह है ना, अजान की मुझे टेंशन ही लगी रहती है, पता नहीं अब उसकी केयर कर सकेगी या नहीं। क्या मतलब है आपका एजाज? मैं बाँ हूँ इसकी, मैं केयर नहीं करूंगी तो कौन करेगा? जो आप कह रही हैं वो मैं भी समझता हूँ, लेकिन अजान इतना छोटा है कि जिस तरह की आप केयरलेस है ना, तो मैं टेंशन में रहता हूँ सीधे से। ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी बातों पे मुंह बनाने से कुछ नहीं होता है। आपके ख्याल में तो वैसे भी कुछ नहीं। वही कहा आपसे, आपने जो देखा है वो गलत भी तो हो सकता है। यार आप अभी मुझे झुटला रही हैं। मैं सिर्फ बता रही हूँ, आपको बिला वजह शौक है बहस करने का। इतनी सी बात है कि आप हर वक्त बहस में लगी रहती हैं, और आप वजह ढूंढते हैं मुझे बेइज्जत करने के लिए। क्या एक बार बताओ, बहुत बदतमीजी करने लगी मुझसे। अच्छा सुनिए, आई एम सो सॉरी। सॉरी दफ्तर जा रहे हो क्या? तुम्हें इससे क्या? मैं दफ्तर जाऊँ या किसी मजार पे? क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तुमने मुझसे कैसे पूछ लिया? मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ? आज तो तुम काट खाने को दौड़ रहे हो, कहीं उस चंपा से तुम्हारी मंगनी तो नहीं टूट गई? धन्नो तेरे मुंह में खाक, मंगनी टूटे तेरी, वो भी उस आलम के साथ। तो चाहती हो कि मेरा घर ना बसे, खुशियों के दुश्मन मेरे। लड़कियों का घर बसता है, लड़के तो घर बसा कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में मुझे लगता है कि तुम चंपा के साथ शादी करने के बाद उसी के घर में चले जाओगे। हाँ चला जाऊंगा, यहाँ से नहीं रहना मुझे इस कबाड़ खाने में, और तुम सब मेरी खुशियों के दुश्मन हो। ओ गुड्डू, ओवर ड्रामा मत करो। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी खराब हुई, ऊपर से खुद शोर मचा रहे हो। अरे जा तेरी मंगनी, वो तो घर की बात है, कैसी बदनामी। ससुराल वाले तो मेरे नाराज होकर चले गए ना। अच्छा, तो तुम्हारे ससुराल वाले कौन सा क्लिफ्टन से आए थे? हमारे जैसे ही लोग थे, बल्कि हमारा स्टैंडर्ड तो फिर भी कुछ है। स्टैंडर्ड? शक्ल देखिए अपनी। ओफो, क्या हो गया? क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? हाँ, इसको बताओ हमारी माँ को, सबसे बड़ा फितना ये खुद है, मोटी कहीं की। मनुज कहाँ जा रहा है? इधर रुक, देख ये सब कमीना है, बेगैरत। एक तो मैं पूछ रही हूँ कि हुआ क्या, तुम बताओ क्या सीन है भाई? मोटी कहीं की, ऐसा लगता है मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं, बहुत लिमिट क्रॉस कर दी सबने। अब तो मैं एक एक से बदला लूंगी, एक एक को हिसाब देना होगा, बता रही हूँ। क्या हो गया है? अकेले अकेले में पंजाबी फिल्म की हीरोइन बनी घूम रहे हो। गोली, आपने भी मुझे मोटी बड़ा मोटी, अभी तो आपने बोला ना पंजाबी हीरोइन कैसी होती है, बताओ कभी दुबली होती है? नहीं ना, मोटी होती है ना। तो फिर अबे वो है ना वो यहाँ से दिमाग खराब कर दिया। बात तो सुन, बिलावला खूब तो समझ लिया है, बात तो सुन लियो। अबे 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 बात तो सुन लियो, सुबह सुबह ऐसा मत क्या कर यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मत आओ मेरे पीछे। अबे तेरे पीछे नहीं आऊंगा तो किसी पीछे आऊंगा। मुझे नहीं पता यार, ये क्या मनोज प्यार दिला दी, नजर नहीं आ रहा था क्या तुझे? काला तू भी तो सामने खड़ी थी, देख रही थी बंदा खड़ा हुआ, फिर भी ट्रैक्टर की तरह आई जा रही है। मारे ये तो नुकसान कर दिया, ऊपर से मुझे तेरे से ट्रैक्टर की तरह आ रही हूँ। काला कैसा नुकसान की रह रही है। अच्छा तेरा बाप देता है क्या 5 रुपए से प्याज? ठीक है, तू ऐसा कर, मुझे ना 10 किलो ला दे 5 रुपए के हिसाब से। 10 किलो प्याज? ये तुम्हारे पूरे खानदान ने, तुम्हारी जात पुश्तों ने इकट्ठे 10 किलो देखिए प्याज कभी? अरे भाई क्या हो रहा है ये? ओ जिल्ले लाई आया, कुछ भी क्या हो रहा है भाई? अरे जिल्ले लाई आपकी माँ जी से टक्कर हो गई, प्याज गिर गई, ताने दे रही है, जलील कर रही है। ये तो बताओ तेरा भाई किस तरह लाखों रूपए बना के दे रही है तेरे को, बता 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 माँ को। लाखों रूपए कमा रहा है और माँ को 1 रुपया नहीं दे रहा। अरे अम्मा अभी तो मैं वो कर्जा उतार रहा हूँ ना। अरे दो नंबरी, माँ के साथ दो नंबरी कर रहे हैं। तुम भी किसकी बातों में आ रही हो यार, अब उसकी कोई सुनता है? तुम सुनने लगी उसकी, पता करो। झूठा है नंबरा, बुरा तरीका। इसकी बात हो ये दे दो, पता नहीं ताता तली गई प्यार। मैं तो नहीं उठा सकती भैया, हाथ थाने ही नहीं बताऊंगी। अल्लाह वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पे रहेगा जनाब आज? सर बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में। मैं माफी चाहता हूँ मैं थोड़ा लेट हो गया। बस आज से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही रहें और जितना आराम करना है करें। पर सर क्या हुआ? हेलो हेलो सर, सर हेलो। पूरा घर ढूंढ लिया, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। तो बिला वजह इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट कमरे में आकर चेक कर लेते, यहीं पर ही होती हूँ और मुझे कहाँ जाना है? हाँ वैसे जाना तो तुम्हें कहीं भी नहीं है, शादी भी इसी घर पे होनी है तुम्हारी, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में रुखसत होना पड़ेगा। ये जरूरी बात थी जिसकी वजह से ढूंढ रहे थे? अरे इतना चिड़ क्यों रही हो बात बे बात पे? बस मेरा दिमाग खराब हो गया इसलिए। हाँ वो तो है। क्या मतलब, तुम्हें भी ये लगता है कि मेरा दिमाग खराब है? नहीं नहीं, लेकिन ये तो अभी तुमने खुद ही बोला ना कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कुएं में छलांग लगा दो तो कुएं में छलांग लगा दोगे? यस, क्यों नहीं, लेकिन हम लोग शहर में रहते हैं ना, तो शहर में तो कुएं होते नहीं है। तो समंदर में छलांग लगा दोगे? ओके डन, कभी समंदर की साइड पे जाना हुआ तो ये करके दिखा दूंगा तुम्हें। अच्छा बताओ ना, मूड क्यों खराब? बस छोड़ो, रहने दो। बताओ ना, गुड्डू अपने आपको समझता क्या है? सुबह मैंने सिर्फ ये पूछ लिया कि दफ्तर में जा रहे हो, सौ बातें सुनाकर चला गया मुझे। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं आज, बस बहुत हो गई है। गुड्डू ज्यादा चलाओ मत, इस वक्त वो घर में नहीं है। इस वक्त नहीं तो क्या आएगा, तो इसी घर पे ना। आज या तो वो नहीं या मैं नहीं। यही है जिंदगी। मुझे आप पर पूरा एतबार है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम हर्ट नहीं होते। जब भी तो कह रही हूँ कि शादी करना उससे। तुम बार बार यही बात कैसे बोल देती हो? अरे थो ढीठ मर लेते तो तू पैदा हुई थी। काश 108 ढीठ मरने के बाद पैदा हुई होती तो आज यहाँ पर अकेली बैठी होती। अच्छा ये सारी बातें तो मुझे कह रही है ना? आने दे आलम, तो सारी बात बताऊंगी तेरी। रात के अंधेरे में अपनी बच्ची को लेके भागती नहीं है घर से। औकात में रहो अपनी। तुम अपनी औकात में रहो, बल्कि अपनी औकात में जल्द आ जाओ तो बेहतर है। ये जो तुम्हारा गुरूर है ना, बहुत जल्द मिट्टी में मिलेगा। अर्शद गोली कहाँ है तू? मटका बचा है तो बाहर निकल। अरे अर्शद गोली कहाँ है तू? यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।